हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वरुण किचन। तो आज हम बनाएंगे फिश करी। यह एकदम नई रेसिपी है। हम एकदम तीखा और चटपटा फिश करी बनाएंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फ़िश करी बनाना। हमने 1 kg फ़िश लिया है, इसको हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। मछली बनाने के लिए हमने 1/2 चम्मच सौंफ लिया है और 1/2 चम्मच अजवाइन है और 1/2 चम्मच काले मिर्च के दाने हैं और 1/2 चम्मच खड़ा ज़ीरा और हमने कुछ खड़े मसाले लिए, आप दे सकते हैं, और 2 चम्मच के करीब हमने सरसों लिया है। हमने मछली का मसाला लिया है 1 चम्मच के करीब है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया, हमने 5 हरी मिर्ची और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको हमने पेस्ट बना लिया है। हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इन मसालों को पीस लेंगे मिक्सर में। मछली फ्राई करने के लिए हमने चावल का आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फिश को फ्राई कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। अब इसको हम पलट देंगे, आप देख सकते हैं हमारी फिश फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे, आप देख सकते हैं हमने फिश को फ्राई कर लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों को ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और हमने एक छोटा सा प्याज लिया, इसको हमने कुछ इस तरह से काट दिया है, देख सकते हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमारा प्याज रेडी हो गया है, अब हम इसमें मसालों को ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने मसाला निकाला था, हल्दी, धनिया, नमक सब था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें कुछ सूखी मिर्च ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको हमें ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना रहेगा। हमारा मसाला भून कर रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। आपको अगर पतला ग्रेवी पसंद है या गाढ़ा ग्रेवी पसंद, तो आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हमें ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाना रहेगा। हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है, अब हम इसमें फिश को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने सब फिश को ऐड कर दिया है। इसको हल्के हाथ से चलाएंगे। अब हम इसमें कुछ आम का सूखा अचार भी ऐड करेंगे, जिससे हमारी मछली का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी जगह आप इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी फिश रेडी हो गई है। हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।